दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मुद्दे की बात में। मैं हूँ विनोद मिश्रा। हमारे प्रोग्राम को आप निरंतर देख ही रहे होंगे, लेकिन आज हम शहर की जनता की डिमांड के आधार पर छतरपुर शहर की जनता का कहना है कि आज छतरपुर के ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के बारे में हमसे मुद्दा लिया जाए और प्रोग्राम बनाया जाए। आइए चलते हैं, इस मुद्दे को उठाते हैं कि छतरपुर में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। छतरपुर की जनता ही बताएगी कि कैसी क्या व्यवस्था है छतरपुर में ट्रैफिक को लेकर। यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बेकार है। यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए ट्रैफिक की व्यवस्था, और चाहे जैसे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पर कोई रूल वगैरह नहीं है। रूल होने चाहिए अच्छे से चलने के। ट्रैफिक व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ों की कमी है। ट्रैफिक पुलिस की कमी है। ट्रैफिक पुलिस की कमी के कारण लोगों को प्रॉब्लम होता है निकलने में, आने जाने में। पहले जो था नो एंट्री वाला सिस्टम वो सही था, लेकिन अब जो चल रहा है वो काफ़ी कुछ गड़बड़ है। इसको व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। छतरपुर में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक है, पर गाड़ियों पे तीन लोग चार लोग जाते हैं, और ये गली में बगल में रोड के साइड में ठेला वगैरह लगाते हैं, हाथ ठेला वगैरह, ये चाट बाट की दुकानें लगाती हैं। अतिक्रमण फैल रहा है, तो इससे ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ी वो हो रही है। देखिए, सड़कों में जो चलती हुई बाइक है, तीन तीन लोग जाते हैं, और क्या है आजकल लड़के होते हैं जो नए नए, तो क्या है जो लेडी वगैरह गाड़ी बैठे लफा के चलाते हैं, उनको समस्या जाती है। वैसे ही आज बाजार में भीड़ होती है, उनको मतलब इस तरह की गाड़ी पर नहीं चलाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को तेज़ी से अपनी वो करना चाहिए, रोकना चाहिए। आजकल के देखिए लड़के कैसे गाड़ी चलाते हैं लफा के हर चीज़ में। छतरपुर की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, क्योंकि छतरपुर शहर के अंदर से दो दो नेशनल हाईवे गुजरे हैं, और छतरपुर शहर का विस्तार बहुत हो चुका है। आप देखेंगे कि मेन हाईवे 75 नंबर में इतने गड्ढे हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। इवन कई बार मांग उठी है सरकार, मुख्यमंत्री कई बार घोषणा करके गए हैं बाईपास मार्ग के लिए, लेकिन आज तक केवल घोषणा ही घोषणा रह गई, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। किसी की भी नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जो डिवाइडर ये बनाए हुए हैं अगर ट्रेन के लिए जाते हैं, तो ये सारे के सारे ऐसे बनाए हुए हैं जो कि सही नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत गंदी है, और ये बीच में जो डिवाइडर बने हैं उसके बाजू में जो खंभे हैं लाइट के, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है चलने में, और काफ़ी कंजेस्टेड जगह है यहाँ पर। उन्होंने पहले रोड नहीं डाले और डिवाइडर लगा रखे हैं, ये व्यवस्थाएँ बहुत स्थिति गंभीर है। ट्रैफिक की व्यवस्था है कि देखो कितनी बड़ी पड़ रही है, मतलब ड्राइवर होना चाहिए, मतलब जी बत्ती वाला जो चालू नहीं है जी चालू होना चाहिए। सुधार ये चाहते हैं कि व्यवस्थित गाड़ी खड़ी हो, व्यवस्थित ये ठेले वाले खड़े हों, है कोई यहाँ देखने सुनने वाला है नहीं, गाड़ी किसी ऑटो लगा देते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी, कहीं बीच की बीच बस खड़ी कर दी, कहीं ये ठिलिया वाला फंसा है, कहीं गन्ने के ठिलिया वाले ने लगा दिया है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं हो। प्लस ये चौकी जोन बनी है सहायता केंद्र, तो सौ फीस है, लोग वक्त समझते हैं ये मंदिर बना है, यहाँ आज तक एक सिपाही बैठा नहीं मिला हमको दिखाई दिया। पहले तो ये जो डिवाइडर बने हैं और बिजली के पोल शिफ्ट नहीं किए गए, पहले बिजली के पोल शिफ्ट करके बाद में डिवाइडर बनाना चाहिए था, जो एक्सीडेंट होते हैं, और बीच में सारी रोडें खुदी हुई पड़ी हैं आपके चौबे नर्सिंग होम से बुंदेलखंड गैरेज तक, एक साइड की पूरी रोड गड्ढे हैं, उनको भरना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था हो तो कैसी हो, है ही नहीं है। जब ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है तो ये थ्री व्हीलर भी बेलगाम चलते हैं, इनको कोई वो है मार्ग निर्देश नहीं दिए जाते कैसे चलना, क्या कहाँ रुकना, बीच सड़क पे रोक देते हैं। नो एंट्री में कोई सुविधा नहीं है, चौक बाजार से जहाँ बस स्टैंड जाते हैं तो वहाँ से भी कारें घुस जाते हैं चौक बाजार से। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, थ्री व्हीलर का कोई मेंटेनेंस नहीं, सैकड़ों थ्री व्हीलर शहर के अंदर आते हैं और चले जाते हैं। इस मामले में कई बार प्रशासनिक रूप से चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कार्रवाई कभी नहीं होती। कई लोगों के पास कागज़ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, रोड के बाहर 10 फीट दुकान है, दुकान टोटल 10 फीट की है, लेकिन सामान उसका और 10 फीट बाहर रखा होता है, आधी ट्रैफिक को वो चरमरा देता है। उसके बाद अवैध वाहन इस शहर की व्यवस्था बिगाड़ते हैं। इस मामले में जल्दी कार्रवाई नहीं होगी तो शहर के हालात भी बहुत बुरे होंगे। बहुत ख़राब व्यवस्था यहाँ पर है, आए दिन भी एक्सीडेंट होते हैं, बहुत गड्ढे हैं सड़कों पर, सड़कें उखड़ी हुई हैं, खराब है, खराब है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रही है, दुकानों के सामने जितनी दुकान वो है उससे ज़्यादा सामने आगे बढ़ा देते हैं, मतलब वो जगह। छत
माधवपुर में ट्रैफिक व्यवस्था एकदम जीरो है। ट्रैफिक व्यवस्था इतनी रद्दी किस्म की है कि गाड़ी वालों को यही पता नहीं कि हमको जाना किस साइड है, किस साइड घुस जाते हैं वो, इस कारण से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है कि डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर के बगल से बस जा रही है तो बस के बाएँ साइड चलना चाहिए, या दाएँ साइड घुसेंगे मर जाएंगे, दो ज़्यादा गाड़ी वालों पर। अब हमारी ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही घटिया किस्म की है, यहाँ का प्रशासन कुछ भी करना नहीं चाहता है और टैक्सी वाले से यातायात बहुत ख़राब है। बढ़िया व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया है, सब अच्छी है, लेकिन तरह से टैक्सी वाले हैं, इनके लिए रुकने का साधन होना चाहिए, और तो सब बढ़िया है, पुलिस व्यवस्था बढ़िया है, सब व्यवस्था अच्छी है अपने जिला के अंदर, कोई कमी नहीं। तरह सुधार होना चाहिए, ट्रैफिक सही होना चाहिए, और क्या फिंगर लगे किसी काम के नहीं है, जगह जगह जाम लग जाता है, जगह जगह परेशानी। ट्रैफिक व्यवस्था तो सुचारू रूप से नहीं चल रही है, और जिला अस्पताल के सामने तो रॉन्ग साइड से एम्बुलेंस जा रही है, इसकी उनको सलाह भी थी, अच्छा जो एम्बुलेंस को रेफर करते हैं ग्वालियर या झांसी के लिए वो चक्कर लगा के घूम के जाती हैं, हॉस्पिटल के सामने कहा गया कि यहाँ से गेट कर लो, लेकिन ट्रैफिक वाले नहीं कर रहे हैं, नगर पालिका भी नहीं सुन रही है। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, और आए दिन यहाँ पर जो डाकखाने चौराहे पर तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो वाहन खड़े रहते हैं, और ये वाहन इधर से उधर जाने में, हॉस्पिटल जाने में पेशेंटों को दिक्कत होती है, मरीजों को आवागमन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत। ट्रैफिक तो गड़बड़ है भाई साहब, ये ऑटो ऑटो वाले जहाँ जहाँ खड़ी करते हैं रास्ता में, और बहुत बेकार है। ट्रैफिक व्यवस्था तो छोटे रोड हैं, जनता ज़्यादा है, वाहन अधिक हो रहे हैं, अधिक होने के कारण अभी भी मैंने कई एक्सीडेंट अभी देखे हुए, पैर अलग हुए है, पूना कच्ची में अभी देख के आई हूँ हॉस्पिटल में, काफ़ी लोग अभी एक्सीडेंट से अंदर गए हुए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए तो हो रहे हैं एक्सीडेंट, आए रोज ही हो रहे हैं, रोज ही मेरे को देखने मिलते हैं। उधरपुर में ट्रैफिक व्यवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही है, जिस हर एक तैराहे पे ना कोई ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, कंटिन्यू व्यवस्था से गाड़ियाँ नहीं, कोई एक साइड से इधर से आता है उधर से आता है, ज़बरदस्ती का ट्रैफिक लगता है। इसके साथ साथ हाईवे रोड पर इतने गड्ढे हैं, इतने बड़े बड़े इस तरह के गड्ढे हो गए हैं कि वाहनों को आते जाते समय वो गिर भी जाते हैं, जिससे फिर ट्रैफिक जाम होता है और लोगों को आने जाने में भारी समस्या होती है, और बड़े वाहन निकलने के साथ साथ धूल पोल्यूशन होता है। आज हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से छतरपुर शहर की जनता के बीच छतरपुर की ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर और छतरपुर की जनता की जो डिमांड है इसको लेकर हम प्रोग्राम के माध्यम से गए, और तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं जो इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता ने कही, जो आपको देखने के लिए मिली होंगी। हम जनता से जुड़ी है सवाल, जनता से जुड़े मुद्दे हम उठाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे।